लंबे खींचतान के बाद राज्य में आखिरकार महाविकास आघाड़ी की सरकार बन गई। ठाकरे परिवार से पहली बार किसी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री बनते ही उद्धव ठाकरे ने आरए मेट्रो कारशेड को रद्द करने से लेकर बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा तक के फैसले ताबड़तोड़ दे दिए। हालांकि इन सब के बीच एक शख्स ऐसा भी है जो यह सब देख रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे के बेटे और दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के पोते आदित्य ठाकरे की। आदित्य ठाकरे ठाकरे परिवार से ऐसे पहले शख्स हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत कर भी आए। आदित्य ठाकरे को शिवसेना के भावी नेतृत्व के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के बाद शिवसेना का पूरा कामकाज आदित्य ठाकरे ही देखेंगे। ऐसे में यह बेहद ही जरूरी हो जाता है कि आदित्य ठाकरे एक परिपक्व शिवसैनिक बने। इसके साथ ही एक मजा हुआ राजनेता बनना भी उनके लिए काफ़ी अहम हो जाता है। यही वजह है कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो दिल्ली में कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आमंत्रण देने के लिए उन्होंने खुद आदित्य ठाकरे को भेजा। इस मौके पर आदित्य ठाकरे के साथ उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी मिलिंद नार्वेकर भी मौजूद थे। दरअसल उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली में भी एक मजबूत पकड़ वाला नेता साबित करना चाहते हैं। चूंकि आदित्य ठाकरे सक्रिय राजनीति में हाल ही में आए हैं, इस लिहाज से उन्हें राजनीति में अभी बहुत कुछ सीखना है। पिता उद्धव ठाकरे किस तरह से मुख्यमंत्री पद का कामकाज संभाल रहे हैं, कैसे लोगों से मिल रहे हैं, सरकार किस तरह से काम करती है, विधानसभा और विधान परिषद किस तरह से काम होता है, इन सभी बातों को आदित्य ठाकरे बड़े ही ध्यान से देखते और सुनते हैं। पिता उद्धव ठाकरे के साथ साथ आदित्य ठाकरे भी आमतौर पर सरकारी मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आदित्य ठाकरे राजनीति और सरकार के काम करने के हर पहलू को बड़े ही अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं। शिवसेना प्रमुख दिवंगत बाला साहेब ठाकरे ने जो कमान उद्धव ठाकरे के हाथ में सौंपी थी, अब पार्टी की वही कमान धीरे धीरे आदित्य ठाकरे संभाल रहे हैं। ऐसे में यह बेहद ही जरूरी हो जाता है कि आदित्य ठाकरे को इस बात का भी पता हो कि आखिर पार्टी में अंदरूनी तरीके से किस तरह से काम होता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि आदित्य ठाकरे को इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि आखिरकार सरकार में बैठे लोग किस तरह से काम करते हैं, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद में भी किस तरह से कामकाज किया जाता है। आदित्य ठाकरे को पिता उद्धव ठाकरे की तरह ही फोटोग्राफी और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक है। कई बार आदित्य ठाकरे को खाली समय में जानवरों की तस्वीर खींचते हुए देखा गया है। इसके साथ ही आदित्य ठाकरे को साहित्य में भी काफ़ी रुचि है। आदित्य ठाकरे की कई पुस्तक हिंदी और मराठी में प्रकाशित भी हो चुकी है। आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे ने मास कम्युनिकेशन के साथ साथ वकालत यानी कि LLB की भी पढ़ाई की है।